वेलकम बैक व्यूअर्स। तो ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे कि हमें दुआ कैसे करनी चाहिए। हमने दुआ के मेन अनासर को डिस्कस किया कि हमें दुआ के कौन से अनासर को, कौन से रहनुमा असूलों को फॉलो करना चाहिए, किस तरह दुआ करनी चाहिए। और अब आगे हम सीखेंगे कि दुआ के मुतल्लिक और बहुत से सवाल हमारे माइंड में हैं कि दुआ ख़ास तौर पर किस वक्त पर करनी चाहिए, क्या कोई मखसूस वक्त है दुआ का। तो आइए अपनी मेहमान से इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो मिस्टर रुबैका, हमें बताइए कि क्या दुआ का कोई खास वक्त है या हम हर वक्त कर सकते हैं दुआ, क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम है? हम हर वक्त मिस सोनिया दुआ कर सकते हैं, खुदा हमारे लिए अवेलेबल है बिल्कुल ऑल टाइम्स। लेकिन खुदावंद के पाक कलाम में हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि सुबह के वक्त जबूर 5:3 में लिखा है, आए खुदावंद तो सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा। तो इससे हमें ये खबर मिलती है कि सुबह सवेरे सोकर जब हम उठते हैं, फ्रेश होते हैं, तो हमें अपने खुदावंद खुदा के हजूर सजदा रेज होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। उसके साथ हम एक और हवाले में जबूर 55:17 में पढ़ते हैं कि दोपहर और शाम के वक्त हमें दुआ करने की ज़रूरत है। सुबह और शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूँगा और करहता रहूँगा और वो मेरी आवाज़ सुन लेगा। तो ये खुदा के कलाम की खूबसूरती है कि वो हमें वक्त का एहसास दिला रहा है कि हर वक्त हम दुआ कर सकते हैं, खुदा उनकी रफाकत में बैठ सकते हैं। लेकिन उसके साथ सुबह के वक्त पर जोर दिया गया है, दोपहर के वक्त पर जोर दिया गया है और शाम के वक्त पर जोर दिया गया है कि हमें खुदावंद के, और फिर रात दिन ओपन चॉइस है हमारे लिए कि हम रात दिन खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। जबूर 88:1 में लिखा है, अरे खुदावंद मेरे निजात देने वाले खुदा, मैंने रात दिन तेरे हजूर फरियाद की है। दानियल नबी दिन में 3 दुआ किया करता था। ये खुदा के कलाम से हमें पुराने अहदनामा में, जबूरों की किताब में और दानियल नबी का सहीफे में हमें ये बात, इसकी कंफर्मेशन, इसकी तस्दीक मिलती है कि हम दिन में 3 खुदावंद से दुआ कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। ये नहीं कि हम सुबह अपने सुबह का आगाज़ दुआ से करें और रात तक हमें खबर नहीं हो कि हमने खुदावंद को वक्त देना है, हमने खुदावंद से रफाकत रखनी है, सारे दिन की शुक्रगुजारी करनी है। इन बातों को गौर करने के लिए हमें इन बातों को, खुदा के कलाम को सीखना है और उसे खोलना है। ये घरों की ताक में ना पड़ी रहे बल्कि ये कलाम खुले और इसको लोग पढ़ें और इससे अपनी रहनुमाई हासिल करें। बिल्कुल। हम बड़ी खुशी से इस आयत को दोहराते हैं, खुदा उनका कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। लेकिन ये रोशनी मध्यम हो गई किस वसीले से, कि लोग कलाम को खोलते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, अपने दीगर एक्टिविटीज़ में वो अपने वक्त को खुदा के साथ मुख्तसर कर देते हैं, जो हमारे लिए, हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए, हमारी बरकतों के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बड़ी खूबसूरती से आपने बताया हमें वक्त के बारे में। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि बाज़ औक़ात हमारे घरों में ऐसा होता है कि जब हम दुआ करने लगते हैं तो कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाती है, बाज़ औक़ात मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है या बच्चे कोई ऐसी हरकत कर देते हैं कि सबका ध्यान उन बच्चों की तरफ चला जाता है और कहीं ना कहीं दुआ का वो टाइम डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या दुआ करने के वक्त में या दुआ के दौरान शैतान वरगलाता है, हमें वो रुकावटें डालता है, तो इस बारे में कुछ बताएं कि ये रुकावटें, ये चैलेंजेस क्यों आते हैं? जी मिस सोनिया, मैं बात कर रही थी कि खुदा ने जब तख्लीक कायनात के वक्त आदम के साथ अपनी रफाकत रखी तो हम जानते हैं कि खुदा ठंडे वक्तों में आदम से मिला करता था। बिल्कुल। तो वहाँ आदम के साथ शैतान का इंटरेक्ट होना, हवा के साथ और फिर उनके साथ खुदा की रफाकत में दाखिल होना और उनको उकसाना और आजमाइश में डालना, ये सबसे बड़ी रुकावट हमें वहाँ नज़र आती है कि खुदा की रफाकत में बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं। दुआ करते वक्त सबसे बड़ी रुकावट जो मैं खुदा उनके पाक कलाम से सीखना चाहती हूँ और आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है बेएतकादी। बेएतकादी, शक करना। जब हम मांगते हैं खुदावंद से कुछ, उसकी रफाकत में हम बैठते हैं, तो हम शक करके ना बैठें बल्कि इस बात पर
खुदा की बात पर यकीन रखें कि वो इम्मानुएल है, वो हमारे साथ है और वो हमें हर तरह की नेमत से आसूदा करता है। इसमें अगर आप याकूब के नाम पालूस रसूल का खत देखें, याकूब का पहला आम खत देखें, उसमें पहला बाब और 6-7 आयत में लिखा है कि दो दिला नहीं होना चाहिए हमें, बिल्कुल समुंदर की लहर की मानन जो हवा से बहती और उछलती है, ऐसे शख्स को खुदा से कुछ नहीं मिलेगा। कितनी क्लियर बात है कि जो लोग शक करके खुदा के हजूर बैठते हैं, उसकी रफाकत में बैठते हैं, उनको दुआ से या मुनाजातों से या गुजारशात से कुछ भी नहीं मिलेगा। वो इस लायक नहीं है, वो समुंदर की लहर की मानद है जो हवा से बहती है और चलती है, उसका अपना कोई ठिकाना नहीं है। इसी तरह ऐसे लोग जिनमें मुआफ़ करने की रूह नहीं है, मुआफ़ ना करने की रूह जो है हमारे अंदर जो मौजूद है, इससे दुआ में सबसे बड़ी रुकावट है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, बिल्कुल तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, बिल्कुल। तो हम खुदा को एक अल्टीमेट स्टैंडर्ड और मेयार दे रहे हैं कि जिस तरह मैं मुआफ़ करता हूँ दूसरों को, उसी तरह तू भी मेरे कसूर मुआफ़ कर। और अगर मैं दो दिला होकर मुआफ़ी कर देता हूँ लोगों को उनके कसूर की या उनकी ख़ता की, या मैं ज़ाहरी तौर पर मुआफ़ करता हूँ और दिली तौर से मेरे दिल में उनके लिए रंजिश है, कदूरत है, तो यकीन कीजिए कि हमारा खुदा भी उसी तरह का सलूक हमारे साथ करेगा जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने दुआ के लिए खुदा के कलाम में ये सीखा है कि जो हम जिस तरह से हमने खुदा को खुद एक मेयार दिया है कि जिस तरह से मैं दूसरों को मुआफ़ करता हूँ, तू भी मुझे वैसे ही मुआफ़ कर, ठीक है। तो ये मुआफ़ ना करने की जो रूह है हमारे अंदर, ये सबसे बड़ी दुआ में रुकावट है। तीसरी बड़ी रुकावट जो हमें नज़र आती है वो बदी या बदकिरदारी है। जबूर 66 और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। बिल्कुल, इसका मतलब है कि हमें अपने दिल को पाक करके, धोकर, साफ करके हमें खुदावंद के हजूर में जाना चाहिए। सिर्फ रकाबी को बाहर से चमका लेना, साफ कर लेना वो ज़रूरी नहीं, बल्कि हमारे बातन को भी अंदर से भी अंदर से उसी तरह साफ और पाक होना है, फिर ही हम खुदा की रफाकत को इंजॉय कर सकते हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, खुशी मना सकते हैं और हमारी रूह में इत्मीनान आ सकता है। चौथी बात जो है, गलत नीयत से मांगना। हमारे मांगने के जो पीछे बात है, ख्वाहिश है, वो क्या है? क्या हम जिस्मानी ख्वाहिशात की खुदावंद से जब इजहार करते हैं और मांगते हैं, क्या उसमें पीछे हमारे क्या पर्सपेक्टिव है, क्या नज़रिया है, किस नीयत से हम खुदा के हजूर आए हैं और दुआ कर रहे हैं? क्या हम उस अमीर आदमी की तरह दुखावे के लिए कि हैकल में ऊंची ऊंची बोलेंगे ताकि लोग हमें परहेजगार और सोचें कि भी ये बड़ी दुआ करता है, ये बड़ी बंदगी करता है, ये खुदा का बड़ा पसंदीदा है? क्या इन अल्फाज को सुनने के लिए हम खुदा से रफाकत रख रहे हैं कि लोग हमें परहेजगार जाने, या हम हमारी नीयत क्या है, क्या हम खुदा को खुश करने के लिए दुआ करते हैं? लिखा है याकूब के आम खत उसका 4 और उसकी 3 आयत में, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। हम जो जहनी सुकून है, जो जिस्मानी नेमते हैं, वो इसलिए मांगते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को ऐशो इशरत में गुजार सकें। बिल्कुल, हम इस तौर से नहीं कि खुदावंद हमसे राज़ी हो, खुदावंद हमसे खुश हो। तो ये नीयत जो है, इसके ऊपर बड़ी बात ये फोकस है कि खुदा के साथ रफाकत करने के पीछे हमारा क्या मोटिव है, किस तौर से हम खुदा के साथ रफाकत रखते हैं, बिल्कुल, और क्या हम, हमारी ख्वाहिश क्या है, क्या बदख्वाहिश से हम कर रहे हैं या हम किसी लालच के तहत खुदावंद के आगे झुक रहे हैं। तो ये 4 ऐसी बातें हैं जिनके वसीले से हम सीखते हैं कि ये दुआ में सबसे बड़ी रुकावटें हैं जो खुदा के और हमारे दरमियान जुदाई पैदा करती हैं, बिल्कुल, और दीवार खड़ी करती हैं। और अगर हम इन रुकावटों को सोचते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अपनी रूहानी ज़िंदगी को लेकर चलें, तो मेरा ख्याल है कि हम सुरखरू भी होंगे, हम जिस्मानी नेमतों से आसूदा भी होंगे
और हम खुदा के पसंदीदा लोग भी होंगे। मिस्टर बेका, हमें ये बताइए कि कुछ लोग दुआ करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमने देखा है कि अगर कोई इवेंट है या फैमिली में प्रेयर के लिए जब बैठे हैं तो जब किसी को दुआ के लिए कहा जाता है तो शर्मा जाते हैं लोग और फटाफट कहते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं, आप करो आप करो आप करो। तो क्या दुआ ना करना कोई जुर्म है, या दुआ ना करने से कोई सज़ा मिलती है, क्या फर्द जुर्म या आयद हो जाता है? जी सुनिए, ये दुआ करना हम सब पर फ़र्ज़ है। बिल्कुल, जो आज के दिन खुदा से शर्माएगा खुदा कल उससे शर्माएगा। बिल्कुल ठीक है, ये खुदा के कलाम में पढ़ते हैं। लेकिन पहला सैमुअल और उसका 12वां बाब और उसकी 23वीं आयत में हम इस बात को सीखते हैं। लिखा है, दुआ करना हम पर फ़र्ज़ है और वाजिब भी है कि हर वक्त अपने खुदा में खुदा का शुक्र अदा करें। दुआ ना करके हम खुदा के गुनहगार ठहरते हैं। बिल्कुल, सैमुअल नबी अपनी उम्मत के लिए दुआ करता है, शिफायत करता है और लोगों को ताकीद करता है कि तुम खुदावन से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी बात है जो खुदावन के कलाम से मिलती है कि हमें दुआ क्यों करनी चाहिए कि उसने मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। हर शख्स जो खुदावन के हजूर झुकता है या इस दुनिया में खल्क किया गया है, उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मौजज़ा या खुदा की कुदरत इस तौर से ज़ाहिर हुई होगी कि वो खुदा को जानने लगा होगा। और यही बात हमें इस बात पर उकसाती है कि हम खुदा से रफाकत रखें और दुआ करें। अपने तजर्बात की रोशनी में, अपनी मुसीबतों में जब हम रिहाई पाते हैं, अपने गुनाहों से जब हम मुआफ़ी हासिल करते हैं और जब हम खुदा से अच्छी अच्छी नेमतें पाते हैं, तो वो वक्त हैं कि हम खुदा का शुक्र अदा करें। और यही गुनाह में बात गिनी जाती है जब हम दुआ नहीं करते, क्योंकि दुआ करना हर एक पर फ़र्ज़ है। बिल्कुल, इससे छुटकारा नहीं है, क्योंकि खुदा ने इंसान को खलक किया अपनी फेलोशिप के लिए, कंपेनियनशिप के लिए। बिल्कुल, तो उसको हम कैसे भूल सकते हैं कि हम दुआ में ना बैठे, हम खुदा के साथ वक्त ना गुजारें। मैम, बड़ी खूबसूरती से आज आपने दुआ के इस उनवान को हमारे लिए बयान किया। आज हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, आप होशाना टीवी के नाजरीन को आज क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेरी होशाना टीवी के नाजरीन के लिए यही दुआ है कि खुदावंद आपको अपनी रफाकत में महफूज रखे और इस बात पर आमादा करें कि तमाम रुकावटों से के बावजूद आप अपने खुदा के साथ मुखलिस रहें और उसके वफादार रहें, ताकि ज़िंदगी का ताज हम पा सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच मिस्टर रिबेका खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरती से हमारे लिए आज के उनवान को बयान किया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू। अजीज़ो, आज हमने दुआ के बारे में सीखा, दुआ कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और क्या दुआ में कोई रुकावटें भी होती हैं। आज हमने दुआ को हर एस्पेक्ट से जो है वो शेयर किया है आपके साथ और आपको बताया है कि आप कभी भी किसी भी वक्त किसी भी घड़ी खुदावंद से दुआ कर सकते हैं। अगर आपने शख्सी तौर पर दुआ करनी है तो आप अपने घर में जाएं, कोठरी बंद करें और वहाँ बैठकर वन ऑन वन खुदा से शख्सी तौर पर दुआ कर सकते हैं। आप इज्तिमाई तौर पर दुआ कर सकते हैं, आप अपनी कलीसिया के साथ मिलकर मजलिस में भी दुआ कर सकते हैं। तो आज हमने दुआ को एक्सप्लोर किया कि किस तरह दुआ हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव असर लाती है, हमारे दिल को पाक साफ कर देती है। अजीज़ों, इसी के साथ वक्त है कि अब मैं लूँ आपसे इजाज़त, तो अपनी होस्ट सोनिया एंड्रीज को अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, देखते रहें प्रोग्राम ख़वातीन-ए-बाइबल होशाना टीवी के संग। गॉड ब्लेस यू ऑल।